व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शिराज टाइम्स न्यूज चैनल। न्यूज देखने के बाद जरूर इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें मजीद अपडेट के लिए। सलाम और जय हिंद साथियों, मैं शिराज तेलंगाना हैदराबाद से। साथियों, आपके बीच आने का एक बहुत ही अहम मसला पेश आया हुआ है। बहुत दिनों से मैंने सियासत को दरकिनार किया था ताकि मसरूफ थी रमज़ान में और कोई मंसूबे को लेकर, जहां पर के अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर। आज मैं तमाम के बीच इस बात को लेकर आई हूं, जहां पर अमित शाह जी का दौरा होता है तेलंगाना हैदराबाद में, और इस बड़ी महफिल में या बड़े जलसे में उन्हें यह लगता है कि इस मजलिस से या इस रैली से या इस मीटिंग से हैदराबाद के तमाम, तेलंगाना के तमाम 1 करोड़ के करीब मुसलमानों को ये चैलेंज कर दिया जाए एक धमकाने अंदाज में कि जब हमारी बीजेपी सरकार यहाँ पर बनेगी तो हम मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। वाह 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 भाजपा सरकार, क्या बात है। सबका साथ सबका विकास, तो यही है वो सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबका साथ और मुसलमानों का सर्वनाश। इस बात को जाहिर कर देता है कि अमित शाह और भाजपा सरकार की सोच मुसलमानों के लिए मुसलसिल 2014 से लेकर 2024 तक मुसलमानों को इस देश और इस सरजमी से उनका सफाया कर देना और बचे कुचे मुसलमानों को गुलाम बनाने की सोच या दूसरे शहरी दर्जा देने की सोच यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसी को ये 2024 के इलेक्शन के बाद अगर इनको इख्तदार हासिल होता है तो ये ज़रूर मुसलमानों को वो दर्जा ये वो मुकाम अता करेंगे। बहुत खूब मेरे मुसलमान उम्मत मुस्लिमा या मुसलमान कौम, जहाँ पर तेलंगाना में 4 करोड़ में से करीब 1 करोड़ मुसलमान इस तेलंगाना रियासत में रहते हैं, और रियासत छोटी होने के बावजूद भी आज TRS और BRS सरकार का जो दोहरा रुख है वो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की यहाँ पर तरक्की हो या कहीं पर भी किसी भी शोबे में पॉलिटिकली वो पावरफुल हो। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मंसूबे BRS सरकार ने भी बनाई है, पता नहीं उनका मंशा क्या है। लोग अभी तक, यानी कि खुसूसन मुसलमान खौफ, इनको क्यों नहीं समझ रही है। अभी तक तो मुसलमान को होश में आ जाना चाहिए था कि इस देश में या इस वतन में, इस मुल्क में या इस रियासत को लेकर मैं बात करूंगी तो मुसलमान किस खसारे में जी रहा है, दर्द नहीं, एहसास नहीं, नाइंसाफी, जुल्म बर्पा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान चुप है। और दूसरी तरफ तमाम मुसलमान कायदीन जो भी किसी पार्टी में है उनको शर्म आनी चाहिए था अमित शाह के इस बयान को लेकर। और अभी तक तो सारे के सारे कायदीन जो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो मेरी खुद की पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी के कायदीन, मुसलमान तंजीमें इस रियासत के और BJP के मुसलमान या BRS या TRS के मुसलमान और दिगर पार्टियों के मुसलमान अभी तक रास्तों पर, सड़कों पर उतरकर अमित शाह के पुतले को जलाकर और सरकार को ये चैलेंज और काउंटर देने की ज़रूरत थी कि तुम्हारी जीत यहाँ पर नामुमकिन है। क्योंकि अमित शाह का ये कहना था कि इस बार वो तेलंगाना में सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खुसूसी तौर पे उन्होंने टारगेट किया है कि उनको यहां पर रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ऐसे भी बयान मैंने सुने हैं जहां पर वोकला की जानिब से के कह रहे हैं कि अमित शाह बकवास कर दिए हैं। बहुत सारे ने ट्वीट भी लिखा है, असद अवैसी का क्या सवाल है वहां पर, KTR का भी ट्वीट आता है, लेकिन कहीं पर भी मोदी को, बड़े पैमाने पे मोदी सरकार को या अमित शाह को ये काउंटर देने का मुनासिब नहीं समझा। जहां पर तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान इस देश में और हमारी रियासत में 1 करोड़ के करीब मुसलमान हैं और उनके रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात हो रही है, यानी कि पूरी तरीके से
यहाँ पर मुसलमानों का जो भी स्टेटस है उसको खत्म करने की यहाँ पर बात हो चुकी है। तो ये है सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ नहीं और सबका विकास नहीं बल्कि सभी का साथ और मुसलमानों का सर्वनाश, यही उनके नारे के पीछे खुफिया जो सोच है इनकी, इनका जो मंशा है, इनकी जो साजिश है, यही यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा है कि मुसलमानों से इनको कितनी तकलीफ है कि ये नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं मुसलमानों को इस देश में, क्योंकि इनका एजेंडा आरएसएस की सोच और मुसलमान को खातिमा इस देश के साथ साथ हर रियासत में करना चाह रहे हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी, अगर नौजवानों में थोड़ी बहुत अक्ल बची हुई है, जहाँ पर बेरोजगारी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तुलबात या जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं वो लड़ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। कांग्रेस का साथ ही शायद इस देश में, इस मुल्क में मुसलमानों का बका का सवाल बन सकती है। 4% रिजर्वेशन की बात, बीजेपी सरकार का मुद्दा आने वाले इलेक्शंस में खुलकर वो लोग बोल चुके हैं, लेकिन देखना यह है कि हमारी उम्मत, हमारी कौम 80 लाख से 1 करोड़ मुसलमान क्या यहाँ पर एकजुट हो सकता है, कोई ऐसी सरकार चुन सकता है जहाँ पर बीजेपी को तेलंगाना में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही बीजेपी सरकार को यहाँ पर सरकार बनाने देंगे। जय हिंद, सलाम और जय हिंद साथियों, मैं शिराज तेलंगाना हैदराबाद से। साथियों, आपके बीच आने का एक बहुत ही अहम मसला पेश आया हुआ है। बहुत दिनों से मैंने सियासत को दरकिनार किया था ताकि मसरूफ थी रमज़ान में और कोई मंसूबे को लेकर, जहां पर के अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर। आज मैं तमाम के बीच इस बात को लेकर आई हूं, जहां पर अमित शाह जी का दौरा होता है तेलंगाना हैदराबाद में, और इस बड़ी महफिल में या बड़े जलसे में उन्हें यह लगता है कि इस मजलिस से या इस रैली से या इस मीटिंग से हैदराबाद के तमाम, तेलंगाना के तमाम 1 करोड़ के करीब मुसलमानों को ये चैलेंज कर दिया जाए एक धमकाने अंदाज में कि जब हमारी बीजेपी सरकार यहाँ पर बनेगी तो हम मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। वाह 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 भाजपा सरकार, क्या बात है, सबका साथ सबका विकास, तो यही है वो सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबका साथ और मुसलमानों का सर्वनाश। इस बात को जाहिर कर देता है कि अमित शाह और भाजपा सरकार की सोच मुसलमानों के लिए मुसलसिल 2014 से लेकर 2024 तक मुसलमानों को इस देश और इस सरजमी से उनका सफाया कर देना और बचे कुचे मुसलमानों को गुलाम बनाने की सोच या दूसरे शहरी दर्जा देने की सोच यहाँ पर नज़र आ रही है, और इसी को ये 2024 के इलेक्शन के बाद अगर इनको इख्तदार हासिल होता है तो ये ज़रूर मुसलमानों को वो दर्जा, ये वो मुकाम अता करेंगे। बहुत खूब मेरे मुसलमान उम्मत मुस्लिमा या मुसलमान कौम, जहाँ पर तेलंगाना में 4 करोड़ में से करीब 1 करोड़ मुसलमान इस तेलंगाना रियासत में रहते हैं, और रियासत छोटी होने के बावजूद भी आज टीआरएस और बीआरएस सरकार का जो दोहरा रुख है वो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की यहाँ पर तरक्की हो या कहीं पर भी किसी भी शोबे में पॉलिटिकली वो पावरफुल हो। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मंसूबे बीआरएस सरकार ने भी बनाई है, पता नहीं उनका मंशा क्या है, लोग अभी तक यानी कि खुसूसन मुसलमान खौफ इनको क्यों नहीं समझ रही है। अभी तक तो मुसलमान को होश में आ जाना चाहिए था कि इस देश में या इस वतन में, इस मुल्क में या इस रियासत को लेकर मैं बात करूंगी तो मुसलमान किस खसारे में जी रहा है, दर्द नहीं, एहसास नहीं, नाइंसाफी जुल्म बर्पा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान चुप है।
और दूसरी तरफ तमाम मुसलमान कायदीन जो भी किसी पार्टी में है उनको शर्म आनी चाहिए था अमित शाह के इस बयान को लेकर। और अभी तक तो सारे के सारे कायदीन जो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो मेरी खुद की पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी के कायदीन, मुसलमान तंजीमें इस रियासत के और बीजेपी के मुसलमान या बीआरएस या टीआरएस के मुसलमान और दिगर पार्टियों के मुसलमान अभी तक रास्तों पर सड़कों पर उतरकर अमित शाह के पुतले को जलाकर और सरकार को ये चैलेंज और काउंटर देने की ज़रूरत थी कि तुम्हारी जीत यहाँ पर नामुमकिन है। क्योंकि अमित शाह का ये कहना था कि इस बार वो तेलंगाना में सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खुसूसी तौर पे उन्होंने टारगेट किया है कि उनको यहां पर रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ऐसे भी बयान मैंने सुने हैं जहां पर वोकला की जानिब से के कह रहे हैं कि अमित शाह बकवास कर दिए हैं। बहुत सारे ने ट्वीट भी लिखा है, असद अवैसी का क्या सवाल है वहां पर, केटीआर का भी ट्वीट आता है, लेकिन कहीं पर भी मोदी को बड़े पैमाने पे मोदी सरकार को या अमित शाह को ये काउंटर देने का मुनासिब नहीं समझा। जहां पर तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान इस देश में और हमारी रियासत में 1 करोड़ के करीब मुसलमान हैं और उनके रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात हो रही है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर मुसलमानों का जो भी स्टेटस है उसको ख़त्म करने की यहाँ पर बात हो चुकी है। तो ये है सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ नहीं और सबका विकास नहीं बल्कि सभी का साथ और मुसलमानों का सर्वनाश, यही उनके नारे के पीछे खुफिया जो सोच है इनकी, इनका जो मंशा है, इनकी जो साजिशें हैं, यही यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा है कि मुसलमानों से इनको कितनी तकलीफ है कि ये नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं मुसलमानों को इस देश में, क्योंकि इनका एजेंडा आरएसएस की सोच और मुसलमान को खातिमा इस देश के साथ साथ हर रियासत में करना चाह रहे हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी, अगर नौजवानों में थोड़ी बहुत अक्ल बची हुई है, जहाँ पर बेरोजगारी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तुलबात या जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं वो लड़ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। कांग्रेस का साथ ही शायद इस देश में, इस मुल्क में मुसलमानों का बका का सवाल बन सकती है। 4% रिजर्वेशन की बात, बीजेपी सरकार का मुद्दा आने वाले इलेक्शंस में खुलकर वो लोग बोल चुके हैं, लेकिन देखना यह है कि हमारी उम्मत, हमारी कौम 80 लाख से 1 करोड़ मुसलमान क्या यहाँ पर एकजुट हो सकता है, कोई ऐसी सरकार चुन सकता है जहाँ पर बीजेपी को तेलंगाना में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही बीजेपी सरकार को यहाँ पर सरकार बनाने देंगे। जय हिंद।